हाल ही में अभी सिरपुर और यशवंत सागर के 30-30 गाइड्स को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। और अब तीसरा 30 सेकंड का एक छोटा सा डिजिटल अनावरण है, वेटलैंड्स फॉर लाइफ, एक फिल्म फेस्टिवल कल से इंदौर में शुरू हो रहा है, उसका एक टीजर है, इसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच, आपने जो प्रकाशनों का विमोचन किया और जो डिजिटल अनावरण किया। और अब मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आएं और मंच को संबोधित करें। इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, विदेश से आए हमारे अतिथिगण, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सम्मानी कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई वन मंत्री, आपका स्वागत दिलीप जी। इंदौर के प्रथम नागरिक जिनके नेतृत्व में ये आज हम सब कुछ करने जा रहे हैं, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों का स्वागत करें, ताली बजाकर अभिनंदन करें। सारे मंच पर सभी सम्मानीय विधायकगण, देश के कोने कोने से बाहर से आए सभी अतिथियों का हमारे राष्ट्र के सबसे साफ सुथरे शहर में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का दिन पूरे विश्व पटल पर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। और उसका साक्षी मां अहिल्या की नगरी इंदौर बनने जा रही है। इंदौर, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जब जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, उसकी छाप पूरे राष्ट्र के पटल पर अंकित होती है, क्योंकि हमें सभी अतिथियों को सुनना है। मैं आप सब की ओर से मुख्यमंत्री जी का, विदेश से आए सम्माननीय अतिथि का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के नगरीय विकास आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय से अनुरोध करूंगा कि वे मंच को और हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की। हाँ, आवाज आ नहीं रही थी जनाना, तालियों की आ रही है ना, जयकारे की आ रही। बोले भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश में अपनी प्रशासनिक क्षमता की छाप छोड़ी है ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जरा तालियां बजाकर अभिनंदन करें। It is my great privilege to welcome you, Mumbai. आप जरा तालियां बजाकर इस विदेशी महिला को भी अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को समाने वाले, सजाने वाले शहर के बहुत ही शानदार मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें आप। इसलिए कि मैं सिरपुर तालाब 2.5 साल पहले आया था और वहां पर खड़े रहने जैसी स्थिति भी नहीं थी, इतना बदबू मार रहा था, एनक्रोचमेंट था,
जलकुंभी थी और पता नहीं क्या क्या ऐसा लग रहा था कि ये तालाब गया, पर महापौर जी केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से आपने इस सिरपुर तालाब को जो दर्शनीय दर्शनीय के साथ साथ यहाँ पर लोगों के आने जाने की जो सुविधा की है, एक पर्यटन का स्थल बनाया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। दोनों हाथ ऊपर करके मेयर साहब का तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए, तालाब कुएं ये हमारे संस्कार से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ आज भी पूजा होती है तो कुआं पूजने जाते हैं, तालाब पूजने जाते हैं, ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। पर दुर्भाग्य से यदि कुएं बर्बाद हुए, तालाब जो बर्बाद हो रहे थे, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम सभी हैं। पर अब जो सरकार है माननीय प्रदेश प्रदेश की और देश की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हम सब की जवाबदारी है कि हम सब मिलकर जो हुए काम है उसकी संरक्षण करें। मैं अभी 20 दिन पहले यहाँ आया था मेयर साहब, मैंने देखा कि लोगों का फुटबॉल भी यहाँ पर कम है, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी कैसे लोग ज़्यादा आए यहाँ पर, कैसे इसका संरक्षण करें। मैंने पूछा लोगों से कि क्या है, बोले सर ये बन गया था, ये लोहा टूट गया, ये जाली चोर के ले जाते हैं लोग। मैंने कहा कौन ले जाता, बोले आसपास चंदन नगर। मैंने कहा देखिए, कहीं के भी लोग हो, हमें जन भागीदारी से इसकी संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। यही की कमेटी बना के नागरिकों की, और हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, हम सब यहाँ के नागरिक हैं ना, जरा हाथ खड़ा करें जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। हमारी जवाबदारी है कि नहीं कि इतना खूबसूरत स्थान बना है, वह लंबे समय तक उसकी खूबसूरती कायम रहे, और इसलिए हमारी जवाबदारी है ना। हम सब यहाँ से संकल्प लेकर उठें कि हम इसको अच्छा संवारेंगे, सजाएंगे, इसको प्रदूषित नहीं होने देंगे, इस बात का संकल्प लेकर उठें आप। मुझे बहुत गर्व है कि माननीय मोहन जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो विकास हो रहा है, इंदौर क्लीन सिटी तो बन गई है, पर हमने वेटलैंड सिटी के लिए भी आवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयास से और इंदौर की क्षमता के हिसाब से ये शहर वेटलैंड सिटी भी हो सकता है। इसके लिए मैं भारत शासन के अधिकारी, यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल मैडम मुंबा सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंदौर को एक आई है तो एक और सम्मान देकर जाएं। यही निवेदन करते हुए एक बार फिर से मेयर साहब, नगर निगम की टीम, फॉरेस्ट की टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम, इन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट विथ पोलाइटनेस द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द रामसर कन्वेंशन डॉक्टर मुसुंडा मुंबा, हु हैज कम ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोरियस फंक्शन ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे। डॉक्टर मुंबा, प्लीज गिव योर कीनोट एड्रेस। Namaste. Ladies and gentlemen, excellencies, may bahut khush hun yahan Indore aake. It's such an honor to be here on World Wetlands Day, a very special day, right next to Sapir Ramsar site. I'm just blown away by the history of India, because I've never been to India. This is my first time. But to come to Indore to celebrate with you this very precious day. And I want to say, Your Excellencies, to the government of India, congratulations on the 80 Ramsar sites. I'm so honored, really, to see that since the government of India joined the convention in 1982, there were two Ramsar sites. Keoladeo in Rajasthan and Chilika Lake in Odisha. And today we're at 80. And we have another gift for you from Ramsar. We're working on some more.